It's really hard to convey the message to each one of you. And yeah, just I am sorry for the loss. And I have discussed these things, all these things I have discussed about death, how to check alignment, this, that. And आप लोगों को पता है मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, उन चीज़ें मेरे को दिखती भी हैं तो आई जस्ट डोंट से. बट डेथ इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अ ह्यूमन सोल कैन एक्सपीरियंस. हाउस ऑफ डेथ कौन सा है? 8th हाउस, डेथ एंड रीबर्थ का हाउस है. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि सफरिंग्स जो हैं वो पर्सन की ख़त्म हो गई हैं एंड नाउ दे आर फ्री एंड दे विल बी कनेक्टेड टू द सोर्स एनर्जी. क्योंकि सफरिंग्स एंड हो गई हैं एंड यू शुड डू ऑल द रिचुअल्स प्रॉपरली एंड यू शुड बी ग्रेटफुल टू द एनर्जीज एंड जस्ट थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग. भगवान ने कुछ नहीं छीना, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट है. माई फादर एक्सपायर्ड, ओके पीपल वर लाइक ओके ये इतना नॉर्मल कैसे है दिस दैट. आई न्यू द होल सीन. मेरे को सारा कहानी का पहले ही पता था. देन मुझे दिख रहा था कि 8-9-10 साल से जो है डैड जो है सफरिंग्स में है एंड नाउ ही इज़ फ्री, द सोल इज़ फ्री एंड विल नाउ गो इन टू द हायर लोकास एंड कनेक्ट टू द सोर्स एनर्जी. दैट्स इट. सो ऐसा नहीं है कि भगवान ने कुछ गलत करा है. इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अ ह्यूमन सोल कैन एक्सपीरियंस ऑन अ सीरियस नोट.